आजादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा झंडा अभियान को लेकर आज MIMC के डायरेक्टर शादाब खान ने सभी राहगीरों को झंडा वितरण किया। शादाब खान ने कहा, हर घर तिरंगा झंडा अभियान सरकार की ओर से चलाया जा रहा है। सभी लोग अपने अपने घरों पर आदर सम्मान के साथ तिरंगा झंडा जरूर लगाएं और इस आज़ादी के पर्व को सब लोग मिलजुल कर मनाएं। MIMT इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर शादाब खान अपने समस्त स्टाफ को लेकर शाहबाद गेट चौराहे पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने सभी लोगों को तिरंगा झंडा निःशुल्क वितरण किया। शादाब खान ने कहा, सभी को मालूम है कि हमारा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है। हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा उपलक्ष्य में अपने शहरवासियों को हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि आओ हम सब लोग मिलकर प्यार से रहें। 15 अगस्त आज़ादी का दिन है, हमें आसानी से नहीं मिला। इसके लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक थे और आज भी ये मैसेज दिया जा रहा है कि आज भी हम सब लोग एक हैं। हम सब लोग मिलकर भारत को और खुशहाल बनाने की कोशिश करें। झंडे को लेकर शादाब खान ने कहा, लोग सोचते हैं ये हिंदू मुसलमान का कलर है, लेकिन ये हमारे देश के झंडे का कलर है। ऑरेंज कलर हमें साहस का बलिदान का मैसेज देता है, ग्रीन कलर हमें सुख का खुशहाली का मैसेज देता है और जो व्हाइट कलर है वह मैसेज देता है आओ मिलकर एक नया भारत बनाएं। इस झंडे के अंदर सब कुछ है, प्यार है, एकता है। देखिए, आपको सबको पता है कि हमारा देश जश्न मना रहा है, घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा। उसी के उपलक्ष्य में अपने शहरवासियों को, अपने प्यारे रामपुर वासियों को, आई लव रामपुर के हर एक वासी को हम मैसेज देना चाहते हैं, आओ सब प्यार से रहें। और प्यार से रहता भी रामपुर, पूरा देश प्यार कर रहा है। 15 अगस्त इतनी आसानी से नहीं मिला, इसके लिए हज़ारों लाखों कुर्बानी दी गई। और हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक थे और आज ही भी मैसेज दिया जा रहा है कि हम एक हैं। हमें छोटी छोटी बातों पे मन मुटाओ, भाईचारा खराब नहीं करना है। हमें अपना क्रिएटिव बनना है, ऐसा कुछ करना है जिसमें अपने माँ बाप का, अपने देश का नाम रोशन करें। और जिस मुल्क में एक लंबी जद्दोजहद के बाद अंग्रेज़ों से लड़ाई दी गई, अंग्रेज़ों से लड़ा गया, उनको भगाया गया, आज हम उस आज़ाद मुल्क के वासी हैं और सब शांति से रहते हैं। कुछ छोटी छोटी बातों पर, कुछ कम तादाद की वजह से हम अपने दिलों को तोड़ें नहीं, जोड़ें। और मैसेज दिया है प्यार का, अपनेपन का, भाईचारे का, एकता का और एहसास का, फीलिंग का, एजुकेशन का। आइए सब मिल के और भारत को और खुशहाल बनाने की कोशिश करें। आज आपने क्या किया? आज हमने करीब फ्लैग्स, जो हमारे देश का फ्लैग है, जिसमें मैसेज देता है, ये 3 कलर मैसेज देते हैं। लोग सोचते हैं ये हिंदू मुसलमान का कलर है, एक्चुअली हमारे देश का झंडे का कलर है। और ऑरेंज कलर हमें साहस का, बलिदान का मैसेज देता है, तो ग्रीन कलर हमें एक सुख का, एक खुशहाली का मैसेज देता है। और पीस कलर, जो वाइट पीस है, वो वाइट कलर है पीस का। आओ मिलके एक नया भारत बनाएं। और इस झंडे के अंदर सब कुछ है, प्यार है, एकता है, अनेकता नहीं है इसमें, ये बंद करा रहा है और 1947 से ये बंधा हुआ है। तो ऐसे हमें बंद के रहना है, प्यार बांटना है, चाहे वो फूलों से बांटें, झंडा वितरित कर बांटें या अपने बन से बांटें। ऐसे अल्फाज निकालना है कि हम किसी का प्यार जीतें, किसी का दिल ना तोड़ें।